आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के आदिवासी दंपत्ति सुगना और कर्मी के घर हुआ था। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नव सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। इस दिन को भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, हिंदू धर्म को भी ठीक से न तो समझ पा रहा है न ग्रहण कर पा रहा है। जिसके चलते बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। तत्कालीन आदिवासी समाज भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। तो क्या थे वह 3 बिंदु जिन बिंदुओं पर महानायक बिरसा मुंडा ने तत्कालीन आदिवासी समाज को प्रगत और विकसित करने का सोचा था? पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वास और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके, इसलिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता और संस्कार सिखाए, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा करी तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरोध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया और परिणाम स्वरूप जमींदारी और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया। तीसरा था राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना, क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी। अंतर राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुए। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इससे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया था, जिस कारण वे 9 जून 1900 को शहीद हो गए। गौरतलब है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन को भारत के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। इस महान शूर समाज सेनानी को इन बीसीएन परिवार की ओर से विनम्र अभिवादन।